हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमने फाइव एग्जांपल लिए है। फर्स्ट एग्जांपल इज O2 मॉलिक्यूल, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। कैसे पता करोगे? तो ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर होता है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 6। तो यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। ऑलराइट, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 2 एटम को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट, अभी इस 6 इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम वे यहाँ पर भी हम 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑलराइट, वैसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का एटम, इस ऑक्सीजन के एटम से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये स्टेबल हो गया। ऑलराइट, वैसे ही इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों कैसे है, स्टेबल हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों कैसे हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर O2 मॉलिक्यूल। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज CO2। सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 एंड ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ऑलराइट, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन एटम को सेंटर में ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इस तरीके से ऑक्सीजन के 2 एटम को हम साइड में ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4। ओके, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन नेक्स्ट, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम वे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट, अभी यहाँ पर देखिए, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे इस ऑक्सीजन के एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, और इस कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के पास। अभी यहां पर देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सेम वे यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सो यहां पर आप देख सकते हो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस ऑक्सीजन के एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2। देन नेक्स्ट इज H2O। सो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 एंड ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम इस तरीके से सेंटर में ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इस तरीके से साइड में ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एटम है, तो यहाँ पर भी हम 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ओके, इसके पास देखिए 6, 7, 8, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूप्लेट रूल शो करता है, और जो ऑक्सीजन हो गया, देन नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी ऑक्टेट रूल शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके से इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर। देन नेक्स्ट इज NH3, दैट इज अमोनिया। सो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 एंड हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। सो N और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 एटम को ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सो 1, 2, 3, 4, 5।
हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है, जो यहाँ पर वन वन इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और हाइड्रोजन भी इस तरीके से ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। देन नेक्स्ट इज HCl। सो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 एंड क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। सो यहाँ पर हम HCl इस तरीके से हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑलराइट, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर देखिए स्टेबल हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और हाइड्रोजन इस तरीके से क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर HCl। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।